हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे से होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आप लोगों से करती हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो ये जो वीडियो है ना, डहलिया प्लांट के ऊपर है। शाम के टाइम है और मैं अपने डहलिया प्लांट को लगाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं किस तरह से इस पौधे को लगाती हूँ, आप लोग पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि डहलिया के प्लांट को मैं किस तरह से लगाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जब मैं नर्सरी से ले आई थी ना, तो ये बहुत ही छोटा सा प्लांट था और अब देखिए काफ़ी बड़े हो गए हैं। देखिए, और इनमें ना बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं। अभी तो इसमें नहीं आ रहे, लेकिन डहलिया में रंग बिरंगे फूल आते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इनकी खास बात ये होती है ना दोस्तों, कि आप कटिंग से अच्छी तरह से इनसे ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं और सीडलिंग भी बहुत ही बढ़िया से तैयार होने लगती है। और इन्हें लगाना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों, बहुत ही आसान है ये। आप चाहें तो परमानेंट इन्हें रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों फ्लावरिंग जो है विंटर में ही अच्छी तरह से करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए लगा देते हैं, एक छोटी सी वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से मैं डहलिया के प्लांट को लगाने जा रही हूँ। तो अगर हम मिट्टी की बात करें ना, तो देखिए मैं मिट्टी यहाँ पर रख ली हूँ। इनमें जो है एक हिस्सा रेत है, एक हिस्सा पुरानी अपनी गमले की मिट्टी है, और एक हिस्सा मैंने वर्मी कंपोस्ट एक मुट्ठी नीमखली मिला के रख दी है। और इस बाल्टी में लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास गमला नहीं है, सारे गमले बुक हो चुके हैं, सब में पौधा मैं लगा दी हूँ और बस यही बचा है। तो मैंने सोचा कि इसी में लगा देते हैं। तो चलिए अब हम लगाते हैं। तो दोस्तों, डहलिया के प्लांट को लगाने के लिए मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा फोरस होनी चाहिए। ये देखिए, अभी मिलाई नहीं थी, ऐसे ही करके रख दी थी। तो इनमें देखिए थोड़े से मोटे मोटे ढीले हो गए, तो इन्हें निकाल देते हैं। ऐसे मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिट्टी को जब भी बनाए ना दोस्तों, तो फोरस ही बनाए, क्योंकि हम गमले में लगाते हैं ना, तो थोड़ा ध्यान देना होता है। अगर यही प्लांट जमीन में लगते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, न ज़्यादा पानी देने की चिंता होती है, न खाद देने की, आराम से चलते रहते हैं। लेकिन गमले में लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो इस तरह से हम देखिए मिला लेते हैं, फिर उसके बाद लगाएंगे बाल्टी में डहलिया के प्लांट को। और जैसे बड़े होते ना, तो मैं दोस्तों कटिंग लगाऊंगी। अगली बार मैं लगाई थी कटिंग, अच्छी तरह से लग गई थी। और ये देखिए बाल्टी है, इसमें भी प्लांट लगे थे और इसमें होल भी, ये देख सकते हैं आप, होल है, कई ठो होल मैं बनाई थी, क्योंकि होल नहीं बनाऊंगी ना, तो पानी जमा होगा, मिट्टी सड़ जाएगी। एक ठो मैं छोड़ दे रही हूँ, बाकी सब इसमें पड़े हुए हैं, ढके हैं इस तरह से। और अब मैं इनमें मिट्टी भर लेती हूँ। तो नर्सरी से लाए काफी दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए आज लगा देते हैं। और दोनों प्लांट को मैं एक ही में लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि यही पड़ा है बाल्टी, इसी में लगाना है। और वैसे भी ठीक है, इतना बड़ा बाल्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, लग जाएंगे दोनों। अगर ये जमीन होती ना, तो मैं इन्हें खूब अच्छी तरह से सजा कर लगाती, जमीन में कोई दिक्कत नहीं होती, ना चिंता होती गमले की। देखिए इस तरह से भर लिए थोड़ी सी, अब इन्हें खोलते हैं, ठीक है, इस पॉली बैग को, और ऐसे ही लगाएंगे, इनकी मिट्टियों को नहीं हटाएंगे, क्योंकि मिट्टी हटा देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इनकी जड़ें काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं और ये भी रेतीली मिट्टी में लगे हुए हैं, तो इनको भी मैं निकाल के थोड़ा सा इस तरह से रख देती हूँ। आज मैंने ट्राईपॉड नहीं लगाया, और इसको भी निकाल देते हैं, ठीक है। एक हाथ से जो है इन्हें निकालना पड़ रहा है, तो पहले हम इसको बंद कर देते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, मैंने दोनों को निकाल दिया, और एक किनारे इसको रख देते हैं और इनको भी रख देते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा गैप करके। दोनों तैयार हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इस तरह से। थोड़ा इन्हें साइड कर देते हैं। अब मिट्टी भरते हैं दोस्तों। कभी कभी ना मिट्टी हटाने से, जैसे प्लांट में सब लगा है मिट्टी ना, इसको हटाने से ना जड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो पौधे नहीं लग पाते, इसलिए छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर थोड़ी बहुत मान लीजिए नहीं जड़ दिखाई दे रही, तो आप थोड़ी बहुत मिट्टी को हटा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जड़ों के साथ छेड़छाड़ करना मुश्किल हो जाता है, प्लांट हमारे गड़बड़ हो जाते हैं। हाँ, से इस तरह थोड़ा सा दबा देते हैं,
तो दोस्तों लगाने के बाद ना हम इन्हें बिल्कुल धूप में रखेंगे और बहुत ही बढ़िया से तैयार हो जाएंगे। और अभी तो इनमें वर्मी कंपोस्ट मैं मिला रखी हूँ, खाद देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 20-25 दिन बाद जो है मैं थोड़ी सी हल्की हल्की गुड़ाई कर दूंगी इनकी मिट्टी की, फिर उसके बाद जो है इनमें खाद दे दूंगी और बढ़िया से हमारे डहलिया के जो प्लांट हैं चलते रहेंगे। और अब बारी है पानी देने की, तो मैं पानी भी दे देती हूँ। पानी अच्छी तरह से देने के बाद, पानी तभी देना है जब इनकी मिट्टी ऊपर से सूख जाती है, तब बार बार पानी नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं इनकी टहनी ना, इसमें पानी स्टोर करके रखते हैं, बहुत नाजुक होती है, और ज़रा सा इनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई ना तब भी इनके लिए दिक्कत है, क्योंकि इसमें फंगस भी बहुत ही जल्दी लगते हैं, इसलिए सावधानी से इनकी केयर करनी चाहिए। ये देखिए मैंने पानी इसमें दे दिया, मिट्टी अच्छी तरह से पानी को सोख रही है, तो पानी जो है होल के सहारे छन कर निकल जाना चाहिए और बार बार पानी नहीं देना है, मिट्टी को चेक करके पानी देना है, धूप में इन्हें बराबर रखना है। अगर इनमें जैसे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना, तो आप नीम के तेल का स्प्रे बना के, इनकी पेस्टिसाइड बना के इनके ऊपर जो है छिड़काव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बराबर चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छे से इनकी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमने डहलिया के प्लांट को लगाया है। अगर आपको डहलिया का प्लांट अच्छा लगता है, इनके फूल अच्छे लगते हैं, आप लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो ज़रूर लगाइए। और अगर आप नहीं खरीदना चाहते हैं तो आपको ये प्लांट कहीं भी दिखे तो कटिंग मांग कर लगा लीजिए, कटिंग से भी ये आराम से तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों डहलिया का प्लांट लगाना बहुत ही आसान है, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।